पिथौरागढ़ में असंगठित कर्मकार मजदूर कल्याण संघ द्वारा मानदेय सूची तय की है तथा कार्मिकों के परिचय पत्र बनाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खास खबरों की तरफ। मुंशियारी मिलम मोटर मार्ग पचपल उड़ार में पहाड़ से पत्थर व मलबा गिरने से गुरुवार से मोटर मार्ग बंद पड़ा है। जिला अध्यक्ष डीडीहाट यूथ कांग्रेस विक्रम दानू ने बताया कि बीआरओ के द्वारा मोटर मार्ग नहीं खोला गया और कल मुंशियारी मिलम मोटर मार्ग ऊपर से पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हुई है, पर बीआरओ के द्वारा अभी तक ये मलबा नहीं हटाया गया, जिससे हमारे हजारों की संख्या में भेड़ पालक और क्षेत्र के लोग और माइग्रेशन पर जाने वाले लोग पर्यटक फंसे हुए हैं, जिससे उन्हें अनेक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भेड़ पालकों को भी अनेकों दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से तत्काल मलबा पत्थर हटाकर मोटर मार्ग सुचारू किए जाने की मांग की। पिथौरागढ़ नगर के टनकपुर तवा घाट NH से लगे स्लॉटर हाउस की गंदगी बहकर सड़कों तक पहुंच रही है। इससे आसपास रहने वाले लोगों के साथ यहां से गुजरने वाले भी खासे परेशान हैं। क्षेत्रवासियों ने कहा कि गर्मियों के इस मौसम में सड़क पर बह रही गंदगी से संक्रामक रोग फैलने की आशंका है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जैसी ने कहा कि पालिका की टीम मौके पर भेजी जा चुकी है, गंदगी को सड़क पर आने से रोका जाएगा। इसके बाद भी गंदगी बहाने वाले नहीं मानते तो उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ जिले के 30 शिक्षकों ने जाजर चिंगरी में आयोजित समर कैंप में तमाम नवाचार सीखे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस शिविर में शिक्षकों को नवाचार के साथ सामाजिक जागरूकता, रोजगार परक शिक्षा, बच्चों में चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, खेल खेल में शिक्षा, मशरूम उत्पादन, झाड़ू व आचार बनाने, किचन गार्डन, मन का भोजन, बच्चों के माता पिता को भी रोजगार से जोड़ने जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और प्रशिक्षण दिया गया। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान, स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रेड क्रॉस सोसाइटी ने निखिलेश्वर चिल्ड्रन एकेडमी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। समिति के डॉक्टर तारा सिंह ने कहा कि भारत में 31% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। हर वर्ष 80 लाख लोगों की मौत तंबाकू से होने वाले कैंसर से होती है। प्रधानाचार्य ममता सिंह ने लोगों से तंबाकू से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वह अपने पास पड़ोस में तंबाकू को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं। पिथौरागढ़ में सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस कर्मियों को दी भावभीनी विदाई। SP रेखा यादव, निरीक्षक उमराव सिंह, अपर उप निरीक्षक हरप्रीत सिंह ने सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों के कार्यों की सराहना की। धारचूला तहसील के खोतिला के ग्रामीणों ने आज कनिष्ठ प्रमुख भूपाल बहादुर के नेतृत्व में पैदल मार्ग पर NH निर्माण का मलबा फेंकने को लेकर नाराजगी जताते हुए उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन किया। भूपाल बहादुर ने बताया कि ग्राम सभा रांची के तोप खोतिला क्षेत्र में निजी कंपनी द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों की सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। निर्माण कार्य का मलबा फेंकने से पैदल मार्ग में चलने वाले स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक बच्चा पूर्व में चोटिल भी हुआ है। उन्होंने मार्ग से जल्द मलबा न हटाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। SR अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज थरकोट बालाकोट में वर्ल्ड नो टोबैको डे कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य ब्रिजमोहन जोशी ने किया।
इस अवसर पर रसायन विज्ञान प्रवक्ता राजेंद्र पांडे ने बच्चों को तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में बताया। कार्यक्रम में बच्चों के मध्य भाषण, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। क्या आप घर सुधार का काम कर रहे हैं या एक नए घर की नींव रख रहे हैं? मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्ध, यहाँ आपको मिलेंगी सभी आकर्षक वॉल, फ्लोर, सैनिटरी टाइल्स प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज, साथ ही भवन निर्माण के लिए सरिया, सीमेंट, एंगल चैनल, पाइप सहित फेंसिंग इत्यादि भी उपलब्ध। भवन निर्माण सामग्रियों की सभी आवश्यक चीजें एक ही छत के नीचे, पिथौरागढ़ में एक विश्वसनीय स्रोत, मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स नियर पंडा बाईपास, पिथौरागढ़। आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें, साथ ही न्यूज संबंधी सुझाव के लिए कमेंट करें। NIN सबसे अलग सबसे तेज। धन्यवाद।